हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अब है, आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, आज फोर्थ में से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी सेमेस्टर फोर के, सेमेस्टर टू के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ पहली वीडियो, जिसके अंदर मैं आपके साथ लेकर आया हूँ जो सेमेस्टर फोर के बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनका जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, उसका जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी आंसर की। जी हाँ, मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि सभी के क्वेश्चन हैं वो सेम रहते हैं, बस शफल हो रखे होते हैं, आगे पीछे हो रखे होते हैं क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उनके आंसर। आपको थोड़ा सा बस क्वेश्चन ढूंढकर करेक्ट आंसर टिक करना होगा। सारे 35 के 35 आंसर मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूँ, और जो ये आंसर दे रहा हूँ इसमें ये गारंटी है कि आप अगर ये आंसर मार्क करते हैं तो आप इंटरनल असेसमेंट में पास हो जाएंगे, ये कंप्लीट गारंटी है इसमें, ठीक है। तो अब बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सारे 35 के 35 क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर की प्रोवाइड करवाने वाला हूँ जितना जल्दी हो सकेगा। बी कॉम ऑनर्स की भी करवाऊंगा, प्रोग्राम वालों की भी करवाऊंगा, सेमेस्टर 4 2 सभी की धीरे धीरे करके प्रोवाइड करवा दूंगा जब तक आपके इंटरनल खत्म होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है इसमें जो मेरे में 35 क्वेश्चन दिखा रहा है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का कितने मेंबर कंट्री पार्ट है। तो आंसर है 190। डायरेक्ट हम आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को मैं आपको बता दूंगा क्या आंसर है। इसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, वो आपने कंसेप्ट कर रखे हैं उससे आपको याद करना है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसमें आपको पास होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर USMCA हाउ ऑफन डू द पार्टी नीड टू मीट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एग्रीमेंट, तो एवरी 5 ईयर। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, तो इसमें है आंसर आपका ट्रीटी ऑफ रोम। नेक्स्ट है आपका हाउ डज कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ गेन फ्रॉम ट्रेड, तो इसका आंसर है बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट कंट्री कैन इंक्रीज देयर टोटल आउटपुट थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल ग्लोबलाइजेशन, तो इसका आंसर है आपका एक्सपेंशन ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट अफेक्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इसका आंसर है आपका कल्चरल प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बट डज नॉट यूज द यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, तो इसका आंसर है आपका यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंड द यूरोपियन यूनियन मोस्ट रिसेंटली, तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ टू और मोर कंट्री कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल इकोनॉमिक मार्केट विदाउट वेरियर टू ट्रेड, तो इसका आंसर है आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज ट्रू, तो इसका आंसर है आपका इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एंटिसिपेट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल चेंजेस। नेक्स्ट है आपका एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन अ कंपनी लोकेटिंग एब्रोड, दिस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑन, तो इसका आंसर है आपका डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोटा इज अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो इसका आंसर है आपका ट्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ इज द 164th कंट्री टू बी द मेंबर ऑफ WTO, तो इसका आंसर है आपका अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आपका विच इंस्टीट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन, तो इसका आंसर है आपका यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड कंट्रोल मेजर, तो इसका आंसर है आपका इम्पोर्ट क्वोटाज। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, तो इसका आंसर है आपका इग्नोरिंग पोटेंशियल थ्रेट्स। नेक्स्ट है करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू विजिबल आइटम ओनली, तो इसका आंसर है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑकर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर है आपका मिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट है विच सिटी वॉज द एशियन डिक्लेरेशन साइंड इन, तो इसका आंसर है आपका बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ एंट्री इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टेबलाइज ब्रांड प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ अ पेरेंट कंपनी, तो इसका आंसर है आपका फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट टैरिफ, तो इसका आंसर है टू डिस्करेज एक्सपोर्ट एंड प्रमोट डोमेस्टिक कंजम्पशन। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री हैज डैश साइड, तो इसका आंसर है आपका टू साइड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अ कंट्री मस्ट फर्स्ट बिकम अ मेंबर ऑफ डैश, तो इसका आंसर है आपका IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड स्ट्रेटेजिक अलायंस इज इन FDI इज, तो इसका आंसर है आपका शेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड। नेक्स्ट है TRIPS, ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, तो इसका आंसर है आपका WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर है आपका हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर LPG रिफॉर्म, तो आंसर है इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इनविजिबल इम्पोर्ट द बैलेंस रिलेट टू, तो इसका आंसर है आपका करंट अकाउंट BOP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड ऑफ एंट्री इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू अ फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिव फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, तो इसका आंसर है रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है, मर्केंटलिस्ट पॉलिसी एम टू स्ट्रेथन आवर नेशंस, तो इसका आंसर है आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल बेनिफिट ऑफ FDI फॉर होस्ट कंट्री, इसका आंसर है आपका इंक्रीज्ड इंपोर्ट डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ होफ्स्टेड कल्चरल डायमेंशन थ्योरी, तो इसका आंसर है आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इसका आंसर है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन टाइप्स। नेक्स्ट है, विच वट कैरेक्टरिस्टिक द करेंसी यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसका आंसर है आपका इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर बायर एंड सेलर। तो ये थे आपके पूरे 35 के 35 क्वेश्चंस, जिनके आंसर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, सारे आंसर आपको बता दिए हैं, टिक करवा दिए हैं। तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जो भी ये इंटरनल देने वाले हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।